फाइनली इस वाली आईडी में भी अपन का कॉन्करर लग चुका है, और कितने पॉइंट मैंने छोड़े और आपको कल कॉन्करर करोगे तो आपको कितने पॉइंट लेंगे अभी के लिए आप ये देख लो। अभी जो मेरी रैंकिंग चली वो चली 207 के अंदर, और इन भाई का जो कॉन्करर है काफ़ी ईजी मिल चुका है, इस पर 10 स्टार यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इनका। और जो अभी इनका जो करियर रिजल्ट चल रहा है वो आपको ऑटोमेटिक में दिखा देता हूँ। कल के टाइम मैंने 150 से भी ज़्यादा प्लस किया, किस तरीके से निकाला, किस तरीके से मैंने गेम खेले जिससे मैं इतना ज़्यादा प्लस कर पाया, वो सारी मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाली वीडियो मेरे बिल्कुल ही मिस मत करना। पर उससे पहले तो और मेरे भाई लोग कैसे हो, एक और जो खतरनाक डुओ रैंक पुश वीडियो के संग, उससे पहले गाइस डुओ के अंदर आपकी क्या रैंक चली वो भी मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। अब अभी के लिए जिस तरीके से मैं गेम खेलूंगा या जैसे जैसे मैं खेलूंगा इस तरीके से आपको भी खेलना, अगर आपका प्लस नहीं निकल रहा है, अगर आप हैकर से डीमोटिवेट हो चुके हो तो इस तरीके से खेलोगे तो जो आपका प्लस है हर गेम में 15 से 20 का काफ़ी ईजी आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद आपको डिपेंड होना होगा, अगर आप लोग लास्ट जोन के अंदर ज़्यादा किल निकाल सकते हो तो आपको और ज़्यादा भी जो प्लस है वो देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए अपन कहाँ जाते हैं, अपन जाते हैं नोवा। नोवा जाने के काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, पर इस गेम में मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा क्योंकि जो जाने का नोवा फायदा होता है वहाँ पे जो जो चीज़ें मिलती हैं वो ऑलमोस्ट अपन को मिल चुकी है। हर वक्त तो नहीं मिलती, पर अगर जब भी आप नोवा जाओगे तो आपको जो दो चीज़ें हैं वो देखने को हमेशा मिलती है, या फिर फ्लेगन या फिर आपको इमरजेंसी बैकपैक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं देखने को मिले तो आपको क्या करना है, पूरा नोवा लूटना है, और नोवा की जो सिटी है लेफ्ट हैंड साइड वो भी लूटनी है। फिर उससे जो कॉइन आपको जो मिलेंगे उससे आप फ्लेगन भी मंगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, अपन नोवा आते हैं, थोड़ी बहुत जो लूट होती है वो अपन कंप्लीट करते हैं। पूरा लास्ट का मैं जोन दिखाऊंगा किस तरीके से खेला और किस तरीके से अपन ने सर्वाइव किया। यहाँ पे नॉर्वे में आता हूँ, मेरे को BIDM मिल चुकी थी, और जो बैकपैक होता है जिससे इमरजेंसी बैकपैक होता है जिससे अपन उड़ के भी जा सकते हैं वो भी अपन को मिल चुका था, वो भी दो मिले थे, एक मेरे टीममेट के पास होता है और एक मेरे पास होता है। अब यहाँ पे BIDM मंगाने का फायदा क्या है, अगर आपके पास एक दो कैस्कर होंगे तो भी आप जो गेम प्ले है काफ़ी ईजी निकाल सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने BIDM यहाँ पे मंगा लिया तो यहाँ से ऑलरेडी ये दो कैस्कर पड़ते हैं जहाँ से आप लोग फ्यूल भरा के यहाँ तक आ सकते हो। अब देखो लास्ट का तीसरा जोन तक यहाँ पे मैंने सर्वाइव कर लिया, और थोड़ी देर में जो चौथा सर्कल होता है वो भी यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तो सामने वाले बंदे ने मेरे ऊपर M4 का फायर किया, और यहाँ पे जो BIDM के अंदर जो फ्यूल होता है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमारे पूरा नोवो में ऑलमोस्ट एक ही कैस्कन अपन ने उठाया था। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो अपने टीममेट को हीलिंग होती है वो दिलाता है, और यहाँ पे जो बैग होता है इसे मैं यहाँ पे खोलने लगता हूँ क्योंकि उससे जो सामने वाला बंदा था उसके ऊपर मेरे डाउट था क्या वो बंदा कहीं ना कहीं जो हैकर है वो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो चौथा सर्कल हो चुका है वो यहाँ पे बन चुका है। चौथा सर्कल अपन ने बहुत ईजी सर्वाइव कर लिया, और वहाँ पे मेरे को नॉर्मल एक से जो दो बॉट होते हैं वो भी देखने को मिल चुके हैं, और मेरे टीममेट के भी अच्छे खासे जो एक दो किल होते हैं वो तो निकल गए। अब वहाँ से मैं बैकपैक खोलता हूँ और डायरेक्ट आता हूँ इस वाली जगह पे। HP क्यों आता है, अब यहाँ पे अपन के पास व्हीकल नहीं होती है वो एक नुकसान होता है, पर यहाँ पे अपन लोग पूरा सर्वाइव के लिए खेल लेते क्योंकि उससे अपन को पता था ऑलरेडी इस गेम में हैकर है जिस हिसाब से इतने कम बंदे बचे हैं। और जो इस ID में मेरी रैंक चली वो चली एस मास्टर पर, तो आप लोग सोच ही सकते हो जो लोबी आएगी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक आएगी। और ऑलमोस्ट अब तो BGMI के अंदर हर गेम के अंदर हैकर आते हैं, जब से मैं यहाँ पे लैंड होता हूँ तभी यहाँ पे मेरे को एक कूप देखने को मिलती है। अभी के लिए मेरे अंदर 5 है, मेरे पर 5 फेंक दिए। आई गॉट सरप्राइज, यहां से कोई तो उठा लो पहले। बंदों को ट्राई तो देता हूँ यहाँ पे नॉक करने का, पर जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे बच के निकल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एज इसलिए होल्ड किया क्योंकि जिस हिसाब से जोन बना था, जिस हिसाब से 4 सर्कल बना था, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा था जो जोन है वो हमारी तरफ खींचेगा, पर जो जोन होता है वो चले जाता है आगे घरों की साइड। पर अभी के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पर जो बंदे हैं वो यहाँ पे रोटेशन ले रहे थे, पर ये जो बंदे थे हमारी साइड नहीं आते, जितने बंदे होते हैं घर पर गाड़ी ठोक देते हैं या फिर जो रिज है वहाँ पर होल्ड करने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या चांस होता है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड पर होल्ड करो या रिज पर होल्ड करो तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वही आती है कि जो पीछे से बंदे होते हैं वो आपको मार सकते हैं। अब अभी के लिए ये बंदे जैसे अंदर जाने लगते हैं थोड़ा बहुत इनको मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। जोन देखता हूँ जो जस्ट मुझसे आगे 40 मीटर दूरी था तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब जब पीछे से जब बंदे आते हैं तो क्या करना होगा, अगर आपका टीममेट बचाओ तो उससे कहो क्या वो पीछे देखो और आप आगे साइड देखें, इससे जो दोनों एंगल है वो कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा और बंदे जो है आपको पीछे से नहीं मार सकते हैं। अब जो सामने वाले बंदे होते हैं उनको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर डैमेज देने लगता हूँ, और जो अगला सर्कल होता है वो भी अपने ऊपर मुझे लगता था बनेगा, पर तभी मैं लेफ्ट हैंड साइड बंदे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, और जो सर्कल होता है वो यहाँ पर अपन को धोखा दे देता है, पूरा सर्कल अपार्टमेंट की साइड चले जाता है बोले तो उन बंदों के पास जहाँ पे वो बिल्डिंग है। अब इस गेम को अपन चिकन निकालेंगे, वो भी किस तरीके से निकालेंगे, इतना अपन जोन के बारे में ऑलरेडी सामने बंदे हैं उनको हमारी पोजीशन पता है, तो जोन में जाना सबसे बड़ी यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होने वाली है। अब टीममेट से सबसे पहले यहाँ पे स्मोक मांगता हूँ क्योंकि स्मोक की जरूरत अपन को ऑलरेडी पड़ेगी, और जब लास्ट का सर्कल हो तो ट्राई करना का जितना हो सके आपके पास जो स्मोक है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन सामने वाले पेड़ पर जाते हैं, और जो सामने वाले बंदे होते हैं उनकी आपस में दूसरी स्क्वाड
से फाइट हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हमें को भी जो मौका होता है वो यहाँ पे मिल चुका था जोन में जाने का। अब सामने साइड बंदों को मैं स्पॉट करने के भी ट्राई करता था, कोई बंदा पीक दे तो उसको मैं नॉक करके जो जोन में हो सकता है काफ़ी ईजी पहुँच सकता हूँ, पर जो बंदे होते हैं वो यहाँ पर पीक नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर जो स्मोक करने का टाइम होता है वो यहाँ पर था हमारे पास। हमने फटाफट स्मोक किया और सीधा अपन ने बंदों के ऊपर पुश कर दिया। अब यहाँ पर जो अपन का क्रॉस एयर है या फिर जो अपन का एम है, मैंने अपने टीम मेट्स कहा था सामने वाले बंदों पर रखना, पर वो बंदे पीक ही नहीं देते। तभी उन बंदों को मेरे को हल्का सा साउंड आता है एक बंदे का, तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड करता हूँ और एक बंदा नॉक हो जाता है। तभी देखो जो दूसरा बंदा होता है वो कहाँ पे बैठे रहते, अभी के लिए वो बंदा नीचे बैठा था, आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, मुझे पता था वो ऊपर रिवाइव देने गया है, पर वो बंदा नीचे ही बैठ जाता है वापिस आके। देखो अभी कहाँ होता है वो, बंदा जब नीचे टीपीपी लेके बैठा था जस्ट मेरा टीममेट भी उसी के पीछे था, तो मेरे को लगा ये मेरा टीममेट है इस वजह से मैंने इसके ऊपर फायर नहीं किया। पर जैसे ही अपन इस टीम को निपटाते तो जो दूसरी टीम है वो यहाँ पे अपन के ऊपर थर्ड पार्टी करने का तैयारी कर रखी थी। थोड़ा सा मेरे को साउंड आता है उस हिसाब से मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ और जो मिनी होती है उसे यहाँ पे फेंक के मैं सबसे पहले यहाँ पे जो M4 होती है वो उठाता हूँ और फटाफट मैं यहाँ से निकलता हूँ। क्योंकि जब भी आप किसी बंदे को मारो तो ट्राई करो वहाँ से निकल जाओ अगर आसपास घर हो, क्योंकि ज़्यादा चांस है बंदे वहीं पर ग्रेनेड करते हैं। अब यहाँ से मैं आता हूँ छत पर जहाँ पर जो थोड़ी बहुत अपनी हीलिंग है वो कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पर जब मैं बंदे देखता हूँ तो हमारे अलावा तीन बंदे और अराइव थे जिनमें से तीनों बंदों की जो पोजीशन है मेरे को नहीं पता होती है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक स्मोक करता हूँ, क्योंकि जो वॉच टावर पे वहाँ पर भी बंदे कहीं ना कहीं होल्ड करके रहते रहते हैं। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक बंदा मेरे को भागते हुए दिखता है, ग्रेनेड की ट्राई करता हूँ पर वो बंदा पेट्रोल पंप के अंदर चले जाता है। तो मैं समझ चुका था अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि वो बंदा उधर भाग ही गया तो जो ज़्यादा चांस है जो उसका दूसरा बंदा भी हो वो भी वहीं पर होगा। तभी देखो ये बंदा मेरे को साउंड दे देता है, बिल्कुल एग्जैक्ट साउंड देता है। अभी के लिए देखो ये बंदा सामने आता है और तभी मेरे को इसके नीचे से पैर दिख जाते हैं। इससे इस बंदे को तो मैं यहाँ पे काफ़ी इजी नॉक कर देता हूँ, पर जो इसका दूसरा वाला बंदा था उसके ऊपर अपन पुश नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे थे क्या वो बंदा पैनिक हो जाए या फिर उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे बन जाए। यहाँ पे मैं एक दो ग्रेनेड की ट्राई करने लगता हूँ पर जो ग्रेनेड होते हैं वो भी यहाँ पे मिस हो रखे थे। तो मैं बंदे के जो साउंड है वो तो मेरे को आ चुका था क्या वो बंदा मतलब पीछे है पेट्रोल पंप के। जैसे ही मैं जाता हूँ जैसे मैं इस पेट्रोल पंप वाले बंदे को मारने जाता था, जो शेक वाला बंदा था कब से यहाँ पे बैठा था वो इस बंदे को फिनिश करता है, और शेक वाले बंदे को तो अपन ने काफ़ी ज़्यादा बुरा मारा और काफ़ी ज़्यादा गंदा मारा। और ये जो मेरी आईडी गाइस कई बंदे मुझसे कहते हैं रैंक दिखा दो, तो अभी के लिए आप लोग देख रहे हो इसमें मिला मेरे को 21 का माइनस, और आप लोग गाइस मेरा जो कल का माइनस किया इस वाले अकाउंट में ऑलमोस्ट मेरा टारगेट था 5000 पॉइंट करने का, पर मेरा माइनस नहीं हुआ क्योंकि लगातार मेरे तीन गेम में हैकर मिले और तीन गेम के अंदर जो माइनस लगा वो ऑलमोस्ट 100 का माइनस लग चुका है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए गाइस बाय बाय और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना।